Team Jammu Hill Cyclist here gathered once again in GMC, Government Medical College Jammu, to celebrate World AIDS Day. World AIDS Day has a deep history. Around in 1988 it was started, and for last 32 years Government of India has been celebrating this event round clock to support the people who are having AIDS, who are suffering from this brutal medical term, and lakhs of people die every year of AIDS. So we gather here to encourage the people on this day, to give them a moral support. Though it cannot be cured, but purpose of here is to joining here is that it cannot be spread further. Just to encourage people, just tell them what is their responsibility, how to use the gadgets, and not to, this deadly virus should not be spread further across the वर्ल्ड एड्स डे हो या कोई भी तरह का डिजीज़ या कोई भी तरह का इशू हो, जो मेन बात है वो मुझे लगता है अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस साइक्लिस्ट रैली ऑन वर्ल्ड एड्स डे अवेयरनेस इज़ हैपनिंग. तो कोई भी चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस. ये रैली, कोई भी इवेंट हम करते रहें, जब तक हम आपस में उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे. अगर हम एड्स की बात करें, जब तक मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, जब तक ये एक टैबू सब्जेक्ट रहेगा, हम बच्चों से खुल के बात नहीं कर पाएंगे, हम सेक्स एजुकेशन की बात नहीं कर पाएंगे, तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं होगी. ये 1988 से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है. तो इस बार कोविड की वजह से हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर सके, इस वजह से कि ये जो साइकिल रैली है ये निकाली गई, और एक ब्लड डोनेशन कैंप आज उसका इंतज़ाम किया जा रहा है. तो ये बेसिकली हम मैसेज जो देना चाहते हैं वो ये है कि एड्स जो है, एड्स की बीमारी से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में, और किस तरीके से का व्यवहार एड्स के पेशेंट्स के साथ होना चाहिए. एड्स के पेशेंट्स के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए.